भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान और उनके समर्थक दिन रात गरीबों को खाना खिला रहे हैं और गरीबों की मदद भी कर रहे हैं लगातार। कब से चल रहा है और कब तक चलेगा ये? 6 अप्रैल से कंटिन्यू यहाँ पर किसान रसोई का संचालन कराया जा रहा है और 3 मई तक जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो तारीख निश्चित किया है तब तक के लिए तो चलना है। आगे जैसी स्थितियां होंगी उन पर विचार करके आगे का कार्यक्रम मनाया जाएगा। लॉकडाउन पे क्या कहना चाहेंगे आप, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। देश के समस्त नागरिकों से मेरी अपील है कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करके कोरोना जैसी भयंकर महामारी को परास्त करने का काम करें। बहुत लोग हैं आपके गांव में ही, हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है, तो आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं? जो हमारे गांव समाज में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों से भी मेरी अपील है कि इस महामारी में केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही जब एक उपाय है तो उसका पूर्ण रूप से पालन करके कोरोना को से बचने का काम करें और जब तक लॉकडाउन का पालन सुचारू रूप से नहीं होगा कोरोना को जीता नहीं जा सकता है। आप तो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, आप किसानों की जो है कितना क्या क्या समस्या आ रही है इसमें? किसानों को तो बहुत समस्या आ रही है। इस समय ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, सरकार तो कह रही है गेहूं क्रय केंद्र खुलवा दिए गए हैं लेकिन 60% गेहूं क्रय केंद्र अभी संचालित नहीं हो पा रहे हैं। किसान ने गेहूं काटा है, घरों में रखा है, अन्य फसलों के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है लेकिन किसान का गेहूं बिक नहीं पा रहा है। बिचौलिए दलाल सक्रिय हैं और सरकार से यदि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार वास्तव में किसानों के प्रति हमदर्दी उसके दिल में कुछ है तो हमको सब्सिडी मत दे, भीख मत दे। आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक निवेदन है कि जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है गेहूं का, उस समर्थन मूल्य से कम रेट पर किसान का गेहूं कहीं पर न खरीदा जाए। MSP गारंटी कानून देश में लागू कर दिया जाए और जो भी समर्थन मूल्य से नीचे गेहूं खरीदता है उसके ऊपर वैधानिक कार्यवाही करके जेल भेजने का काम किया जाए। तब हम मानेंगे कि देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति समर्पित है। इतने दिनों से जो है 6 तारीख से आप लगातार जो है गरीबों को खाना खिला रहे हैं, क्या इसमें कोई सरकार की तरफ से SDM की तरफ से कुछ आपको सहयोग किया गया है? कुछ नहीं, मैंने SDM महोदय को, तहसीलदार महोदय को फोन से अवगत कराया कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कम से कम एक बार जांच ही करा दी जाए। यहाँ पर कुछ न हो तो एक बार सैनिटाइजर ही करवा दिया जाए। लेकिन जब हमने सैनिटाइजर के लिए बात तहसीलदार से की तो तहसीलदार कहता है कि पैसे भेज दीजिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था हम करा देंगे। अगर सैनिटाइजर की व्यवस्था तहसील में नहीं है तो ये तामझाम लेके क्यों बैठे हुए हैं? गांव में कहीं पर भी न सैनिटाइज हुआ है, न गरीबों को इनके द्वारा कोई आवश्यक सामग्री का वितरण कराया जा रहा है और किसान इस समय किसान के पास पैसा नहीं है। कटेसर चल रहे हैं, कंपाइन चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं लेकिन डीजल का मूल्य, अगर मार्केट रेट पे डीजल का मूल्य सरकार इस समय निर्धारित करती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल का कच्चे तेल का रेट बहुत घट गया है लेकिन देश के अंदर डीजल का रेट कहीं पर कम नहीं हुआ है। सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए डीजल का रेट घटा के किसानों को फायदा पहुंचाने का काम करें।